जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करी हूँ आपका मैं साप्ताहिक राशिफल में। इस वीक में आपके साथ क्या क्या होगा, चलिए जानते हैं। ये हफ्ते का जो राशिफल है वो 11 मार्च से लेकर के 17 मार्च के लिए एप्लीकेबल होगा। साथ ही आपको आज एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। बहुत प्यारे एक भक्त ने पूर्णिमा पे हमसे प्रश्न किया है कि ज्योतिष जो है ये कितना सत्य बता सकता है, तो इसका उत्तर भी मैं आपको दूंगी। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो राशिफल है, आप अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से जो आपकी सटीक राशि है, चंद्र राशि है, उसके हिसाब से ही देखें। ये आपको 100% मैच करेगा। जिन लोगों को मान लीजिए आपको ये पूरा मैच नहीं कर रहा है, 80%, 60% या 40% ही मैच कर रहा है, तो समझ लीजिए आज इसमें कोई ऐसा मैसेज है जो आपके और किसी बहन भाई के लिए है। तो जो भी आपके साथ मेल खाए उसको रखें, बाकी को जाने दें, क्योंकि ये एक जनरल प्रिडिक्शन है। ये जो राशिफल है लाखों लोग एक साथ देख रहे हैं, तो सभी के लिए कुछ ना कुछ मैसेज भगवान जी द्वारा मुझे मिलते हैं और वो मैं आपको बताती हूँ। ज्योतिष की गणनाओं पर ये आधारित है, साथ में मुझे जो भी इंट्यूशन प्राप्त होता है, जो भी भगवान से, जो भी देवी शक्तियों से मुझे आभास प्राप्त होता है, उसके हिसाब से मैं आपको ये राशिफल बताती हूँ। किसी भक्त ने ये पूर्णिमा पे हमसे प्रश्न किया है, जो कीर्तन था उसमें वो पूछते हैं कि गुरुमा ज्योतिष कितना सटीक है, कितना सही बता सकता है। देखो, ज्योतिष तो आपको पूर्णतः सत्य बता सकता है, बिल्कुल सही आपको मार्गदर्शन दे सकता है, तो ये प्रश्न तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष में जो है करोड़ों फॉर्मूलाज हैं, बहुत सारी गणनाएं हैं, बहुत सारे सूत्र हैं, बहुत सारे योग हैं, तो ये नहीं कहा जा सकता कि ज्योतिष आपको सही बता सकता है या नहीं बता सकता है। आज के इस कलयुग में प्रश्न ये होना चाहिए कि क्या आपका ज्योतिषी आपको सही बता सकता है या नहीं बता सकता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना अपना ज्ञान होता है। कोई टीचर जो है वो नर्सरी का टीचर है, टीचर वो भी है। कोई टीचर है वो आपको MBA पढ़ा रहा है, आपको ग्रेजुएशन पढ़ा रहा है, वो भी टीचर है। कोई प्रोफेसर है, किसी ने PhD कर रखा है, वो भी टीचर है। तो आपका ज्योतिषी कितना ज्ञान रखता है ये इस पर निर्भर करता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि करोड़ों सूत्रों को वो याद रख सके। अब इस पे प्रश्न आता है, फिर कैसे जाने कि हमारा ज्योतिषी बिल्कुल सही है, वो सही बता रहा है। आपके ज्योतिषी, आपके जो भी गुरु हैं, आपके जो भी ज्ञानी जन हैं, आपके जो भी पंडित जन हैं, वो जितना भगवान से एक होंगे, जितना भगवान से कनेक्टेड होंगे, जितना भक्ति में डूबे होंगे, उतना ज़्यादा ही वो आपको एक्यूरेट बता सकते हैं, सही बता सकते हैं, उनकी बताई भविष्यवाणी सही होगी। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी गद्दी पे बैठते हैं, या जब भी हम किसी को ज्योतिष बताते हैं, या उसका भविष्य बताते हैं, या आने वाले समय के बारे में उसको बताते हैं, तो वास्तव में हम नहीं बता रहे होते, ये ईश्वर द्वारा ही हमसे बुलवाया जाता है। तो मान लीजिए आप किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी ज्योतिषी के पास गए हैं, तो हो सकता है आपकी कुंडली और उससे पहले कोई व्यक्ति आया हो उसकी कुंडली सेम हो, लेकिन सभी के ग्रह का फल जो है वो अलग अलग होगा, सबके जीवन का फल अलग अलग होगा। ट्विंस जो होते हैं उनकी जन्म कुंडली बिल्कुल डिट्टो सेम होती है, क्योंकि मुश्किल से 1-2 मिनट के या 3-4 मिनट के अंतराल पे उनका जन्म होता है, लेकिन उनकी किस्मत बिल्कुल अलग होती है। तो आपके ज्योतिषी अगर भगवान से बहुत ज़्यादा संपर्क में हैं, उनको आभास आते हैं, उनको उनकी एक आध्यात्मिक यात्रा चल रही है, तो आप उनके मुख के द्वारा आपको ऐसा मार्गदर्शन ज़रूर मिलेगा जिससे कि आपकी जो भी कष्ट है, जो भी परेशानी है, उसमें आपको निवारण मिल सके, सही गाइडेंस मिल सके, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकें। अब आप इसमें प्रश्न करेंगे कि गुरुमा फिर हम कैसे जाने कि उनकी भक्ति कितनी अच्छी है, वो कितना भगवान से कनेक्टेड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका दूसरा उत्तर यही है कि आप भगवान से कितने कनेक्टेड हैं। अगर आपको आज कोई कष्ट है, आप अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हो, किसी दो राहे पर खड़े हो, कुछ आपको ऐसा लगता है कि कहीं फंस गए हैं, समझ नहीं आ रहा आगे क्या करना है, तो तभी आपको किसी ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजर या पंडित जी या किसी ज्ञानी सद्गुरु की आवश्यकता है।
तो ऐसी स्थिति में आप सबसे पहले प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरे जीवन में ये कष्ट है, इसके मार्गदर्शन के लिए आप मुझे कोई ऐसा व्यक्ति भेज दीजिए जो कि मुझे सही गाइडेंस दे सके। और आप बिल्कुल विश्वास रखना, भगवान आपको ऐसे व्यक्ति से मिलवा ही देंगे जो आपको उसके द्वारा बोली हुई बातें जो है वो सटीक निकलेंगी, क्योंकि वो नहीं बोल रहे होंगे, भगवान उनके द्वारा बुलवा रहे होंगे। तो ये सारी चीजें अध्यात्म से जुड़ी हैं। ज्योतिष को आप कभी भी अध्यात्म से अलग नहीं कर सकते। ज्योतिष वो ज्योति जो आपको ईश्वर से जोड़ती है। तो इसीलिए ये प्रश्न सही नहीं, ज्योतिष कितना बता सकता है, ज्योतिष तो सब कुछ बता सकता है। आप अभी क्या सुनने वाले हो ये भगवान पर निर्भर करता है कि आपके लिए क्या मैसेज है और आपके ज्योतिषी आपको क्या बता सकते हैं। मीन राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। सबसे पहले कोई धन की नई स्कीम, कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई सेविंग कुछ तो है इस हफ्ते में जो धन के लिए कुछ नया आप कर रहे हैं। कोई नया बिजनेस भी स्टार्ट करने का सोच सकते हैं, कोई नया जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, कोई नई सेविंग की आप स्कीम बना सकते हैं। कुछ तो है जो नया धन को लेकर के, धन को बचाने को लेकर के आप कुछ नया कर रहे हैं, तो ये काफी अच्छा है। बहुत ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है, छोटा सा है, लेकिन छोटा सा स्टेप भी आज दिया हुआ कल बहुत अच्छा आपका फ्यूचर बना सकता है। दूसरी ओर मुझे दिखाई दे रहा, इस समय आपका जो भी लाइफ पार्टनर है या आपके लवर हैं या कोई एक व्यक्ति तो है जो आपको पसंद करते हैं, वो बहुत ज्यादा आपके साथ चिपकेंगे, आपका बहुत ज्यादा टाइम लेना चाहेंगे, बहुत ज्यादा आपसे क्लोज होना चाहेंगे, आपको ना घुटन सी होगी, इतना ज्यादा वो आपसे चिपकने की कोशिश करेंगे। या कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, बिल्कुल चेप हो जाते हैं, उनको उससे ऐसा लगता है कैसे पीछा छुटाएं, आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, तो वो इस हफ्ते में आपके साथ हो सकता है। तो आप तो अपना मजे से शांति में बैठना चाहते हो, लेकिन वो व्यक्ति आपको अकेले बैठने नहीं देंगे, तो थोड़ा सा आपका पीस ऑफ माइंड जो है वो डिस्टर्ब होगा। इस समय में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप उससे छुप छुप के कहीं सो रहे हो, या आप दिन में सो रहे हो क्योंकि वो आपको टाइम से सोने नहीं दे रहे, रात में सोने नहीं दे रहे हैं, या आप इतना ज़्यादा लंबा समय फ़ोन पे बात करें, कुछ तो हैं जहाँ आपकी नींद पूरी नहीं हो रही और आप कहीं छुप करके, शायद ऑफिस में या किसी और स्थान पे आप छुप करके थोड़ा सो रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों को कुछ पस जैसा कोई पिंपल वगैरह उनकी बॉडी में हो सकता है, तो उससे थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे। अगर थोड़ा भी कट लग जाता है कहीं पर, कोई आपको कोई थोड़ा भी कुछ हो रहा है तो उसमें पस पड़ सकता है, तो उसका आपने थोड़ा ख्याल रखना है। कुछ लोगों के दांतों में भी पस पड़ सकता है। हमारे सिद्ध दरबार में भगवान शनिदेव की कृपा से लाखों चमत्कार हो रहे हैं। उन्हीं में से एक भक्त की कहानी सुनते हैं, फिर लौटकर आपके राशिफल पे आएंगे। नाम राकेश कुमार, मैं झारखंड से बिलोंग करता हूं, और मैं बहुत परेशान था, और मैं यूट्यूब पर गुरु माँ के वीडियो देख करके, और मैं अपने परेशानी के लिए मैं गुरु माँ के पास दरबार में आया, और उनको से मैं अपना परेशानी दिखाया। परेशानी दिखाने के बाद उन्होंने मुझे एक लॉकेट दी, और लॉकेट देने के बाद जब हमने इसको लॉकेट को पहना और उनको कुछ पूजा पाठ करने के लिए हमको बताए थे, हम पूजा पाठ किया, पूजा पाठ करने के बाद मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत अच्छा रहने लगा। और बहुत पहले मैं बहुत झगड़ता था, बहुत पहले गुस्सा होता था, बाद बाद फिर हमको गुस्सा होता था, मेरा सभी प्रॉब्लम सभी सॉल्व हो गया, मैं सभी अच्छा है। और यहाँ पे आने के बाद गुरु माँ के दरबार में कोई फीस नहीं लगती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप आ सकते हैं। समय में आपका जो माइंड है या आपका जो माइंडसेट है वो बिल्कुल क्लोज हो जाएगा पैसे के मसले में। आप किसी को भी दान पुण्य वैसे करना तो बहुत चाहते हैं लेकिन करेंगे नहीं, इस हफ्ते में थोड़े से कंजूस होते दिखाई दे रहे हैं, अपनी आप इच्छाओं को भी लिमिटेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो कहीं पर देना नहीं चाहते हैं, कोई आपसे फ्रेंड भी हेल्प को मांगने के लिए आ रहा है वो भी नहीं करना चाह रहे, थोड़ा सा पैसे को लेकर के लिमिटेड आप महसूस कर रहे हैं। इस समय में आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे किसी व्यक्ति को एडवाइस देने से। आपके सामने कोई व्यक्ति गलत कर रहा होगा और आप अपने आप को बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे, उसको एडवाइस देंगे, चाहे वो व्यक्ति सुने या नहीं सुने, ज्यादा सुनता हुआ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन आप उसे एडवाइस देने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। तो एज अ गुरु, एज अ मेंटोर, एज अ टीचर आप किसी को एडवाइस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर्दियों के कपड़े जो आपके हैं वो आप किसी को या तो देते हुए या उन्हें संभाल के कहीं रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके साथ कुछ ना कुछ आप जरूर कर रहे हैं विशेष। काफी लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे वो आप पीछे पड़ रहे हैं, पता नहीं क्यों उन्हें ऐसा क्या लग रहा है, आप में क्या ऐसा दिख रहा है, कौन सी ऐसी वाइब आप दे रहे हैं, तो बहुत सारे लोग आपके पीछे पड़ रहे हैं और आप उनसे इरिटेट हो रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। समय में कोई खाने से संबंधित आप कुछ नया बना सकते हैं या किसी को खाने पर बुला सकते हैं, ऐसा भी दिखाई दे रहा है।
अगर आपकी लव लाइफ की बात करें वो बहुत अच्छी होगी। अगर आप अपना पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो इस हफ्ते किसी व्यक्ति को अपना पार्टनर मिल सकता है और बहुत ही ज़्यादा उनके जैसा होगा, जैसे आप हैं वैसे ही वो होंगे, बिल्कुल टक्कर के, बिल्कुल एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच आपको इस समय में मिल सकता है। अगर आप इस समय में डिप्रेशन से जूझ रहे हैं तो उस समय भी सिचुएशन में काफ़ी लाभ होता दिखाई दे रहा है, आप डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे, आप अपने आप को पॉजिटिव महसूस करेंगे, तो ऐसा आपके हफ्ते के लिए दिखाई दे रहा है। इस रिश्ते को आपको थोड़ा सा बचा के चलना होगा, मुझे लगता है जब तक कि कुछ चीज़ें फाइनल नहीं हो जाती हैं तो आपको किसी को कुछ बताना नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोगों की नज़रें आपके ऊपर हैं, काफ़ी लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो हो सकता है किसी की नज़र आपको लग जाए। तो ये था आपके इस हफ्ते का हाल। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको खूब सारा आशीर्वाद, भगवान आप पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।